तो अभी हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और आज ना हमारी हालत ख़राब हो गया। आज ताकला वाली रोड से हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस गाड़ी में। हम लोग ना अंकल जी के वहाँ से मिठाई रख रहे थे, इतने में हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। आप कहाँ से हो? संजय 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 धारणौला मोड़ा, धारणौला से। हाँ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। जैसे हम लोग शहर में पहुँचे ना, यहाँ की भाग दौड़ देखने को मिल रही है, गाँव में एकदम सुनसानी होती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पलाक, मैं हिना कार्तिक फसवान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदू ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। तो आज आ गई हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने दानपुर घाटी से। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी दीदी के वहाँ दीपावली का त्यौहार पहुँचाने भी, और हमारा काम शोरूम में भी है। वहाँ पर नंबर प्लेट आ चुका है हमारी नई गाड़ी का, यूवी का, तो हम लोग नंबर प्लेट लेने भी जा रहे हैं। और हमारे गाड़ी का नंबर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग अपने अंदाजे से। और बाकी मेरे पीछे मौसम तो आपको दिख ही रहा होगा, पार धूप पहुंची है, अभी यहाँ तक पहुंची नहीं हुई है क्योंकि ठंडू के दिनों में यहाँ पर धूप लेट ही आती है। और मिस्टर जी लोग सामने गए वहाँ पर गाड़ी में थोड़ा सा पानी डाल मार के आ रहे हैं, और गाड़ी तो कल ही वॉश करवा ली थी, कल ये लोग ना मार्केट गए थे तो गाड़ी वॉश करवा के ला गए हैं। अब अभी सिर्फ ना रात में पाला पड़ जाता है गाड़ी में, इसलिए उसे साफ करके आ रहे हैं, फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से हल्द्वानी के लिए। तो हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी हम हैं पौड़ी बैंड से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर हम ना नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे, तो हमारा नाश्ता भी हो चुका है, अब सफ़र को कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और आज ना हमारी हालत ख़राब हो गया। आज ताकला वाली रोड से हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस गाड़ी में, और पिछली बार हम लोग जब घर आए थे रानीखेत से आए थे, तो आज हम दोनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मम्मी ने हमें रास्ते में खाने के लिए संतरे वो दिए थे तो वो खा रहे हैं, उससे थोड़ा क्या पता मूड सही हो जाए। और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होकर हालत ख़राब हो चुकी है पूरी, तो थोड़ा संतरा खाते हैं, देखते हैं कैसा होता है इससे। अभी हमने यहाँ पर संतरे वगैरह खा लिए हैं, अब सफ़र को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें जाना तो है ही, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो निकलते हैं अब फिर से, ये फिसल फिसल के पीछे को आ रहा है, चलिए अब। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अभी अल्मोड़ा पे, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आज हमें ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आज 2 बज चुके हैं हमें यहाँ पर। तो अब सामने वहाँ पर हम कुछ खाना खा लेते हैं, वो लोग भी चले गए, मैं भी जाती हूँ। हमने मंगा लिए यहाँ पे थाली, तब हम लोग खाना खाते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों को। अभी हमारा यहाँ पर खाना भी हो चुका है, और यहाँ पर खाना ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एकदम घर वाला स्वाद आ रहा था। तो मैंने तो यहाँ पर खाने का मन नहीं था, बट खाते खाते मैंने यहाँ पर 4 रोटियाँ खा ली, तो बहुत अच्छा लगा। और भैया का रेस्टोरेंट है, थैंक यू सो मच सर्विस फॉर, और आपने खाना भी बहुत टेस्टी बनाया था। तो चलिए चलते हैं हल्द्वानी की ओर। तो हमें टाइम ना, आप फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इतने लेट जा रहे हैं, हम लोग लेट निकल के भी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि आज तबीयत डाउन चल रही है, बट अब थोड़ी एनर्जी आ चुकी है खाना खाने के बाद, अब चलते रहते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं लोदिया पे, और यहाँ से रख रहे हैं हम दीदी के लिए मिठाई, और वैसे भी 100 KG भी हो रखे हैं, ठीक, तो 100 KG की मिठाई भी दे के आएंगे दीदी को। तो हमें यहाँ पे टेस्ट के लिए ना चॉकलेट वाली मिठाई भी मिल चुकी है, जो कि बहुत टेस्टी हो रही है। हम लोग ना अंकल जी के वहाँ से मिठाई रख रहे थे, इतने में हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। आप कहाँ से हो? संजय संजय धारणौला मोड़ा, धारणौला से। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। बहुत गंदी हो रही है।
तभी हम लोग पहुंचे हैं खरना रोड पे, और यहाँ पर ना रोड बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है जो मैं आपको बता नहीं सकती, इतने गड्ढे हो रहे हैं और धूल वगैरह। तो आजकल तो ट्रैवलिंग बहुत बेकार है, बट आने वाले 3-4 सालों में ना बहुत अच्छी रोड होने वाली है, क्योंकि अभी काम चल रहा है चौड़ीकरण का। जी हम लोग आगे को बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मस्त सी रोड मिल चुकी है खरना पे ही। आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी करते रह रहे हैं वो लोग, तो अब रोड मस्त हो गई। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल पे, और यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम हो चुका है अभी 5:06, तो लगभग थोड़ा बहुत अंधेरा होने लग गया है, क्योंकि आजकल ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, आजकल छोटे दिन होते हैं, तो थोड़ा सा अंधेरे में पहुंचने वाले हैं हम लोग दीदी के रूम पे। तो पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी है, और अभी तक हम हल्द्वानी शहर में पहुँचे हुए नहीं है, तो पता नहीं दीदी के रूम पर कितने बजे पहुँचते हैं, क्योंकि बीच में जाम भी लगा हुआ था इसलिए हम लेट पहुँच रहे हैं, आगे को जाम नहीं लगना चाहिए। जैसे हम लोग शहर में पहुँचे ना, यहाँ की भाग दौड़ देखने को मिल रही है, गाँव में एकदम सुनसानी होती है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दीदी की कॉलोनी में, बट यहाँ पे एक दिक्कत आ रही ना, हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लगे हुए हैं तो गाड़ी नहीं जा रही, तो आधी रोड में ही है ये, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें, रोड में भी नहीं रख सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। अंदर जैसा उछलते हुए आ रहा, किसके पास जाएगा पहले, इसी शक्ल कहाँ जा रहा पहले, चलो बताओ कहाँ जाओगे पहले, जल्दी जाओ ना। कोने हमें प्रणाम नहीं बोला और गाड़ी को प्रणाम बोला, हमें प्रणाम नहीं बोलते लोग को है जितते रहो। पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, अंकल जी आगे तो गाड़ी साइड लगा रहे, फिर हम डालेंगे नीचे को, और हम भी कल मॉर्निंग पे जल्दी निकल जाएंगे, इनको भी जल्दी निकलना है, तो अब हमें भी जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि हम गाड़ी निकालें तब ये जाएं। और बाकी कार की हालत देखो आप, ऐसी रोड है हमारे वहाँ की, पूरी धुलाई करके लाए थे बट ऐसी होगी दिखने में, तो कल और धुलाई करेंगे इसकी। तो अभी एक बार कार पार्किंग करते हैं, फिर चलते हैं दीदी के रूम पे। हमने गाड़ी में से सामान निकाल लिया है, इन्होंने कट्टा रख लिया है, इसमें संतरे वगैरह लेके आए हैं, और इनको भी सामान दे दिया हमने, गुन्नू और लक्कू को भी, वो भी ले जा रहे हैं और वो भी बैग ले जा रहे हैं, तो चलते हैं हम दीदी के रूम पे। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ला लक्कू मुझे तो, मैं ले जाऊँ, मैं कैमरा पकड़ू, चलो फिर। हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के रूम पे, और अभी ना आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, रास्ते में जाम वगैरह भी लगा था तो उससे थकान हो गई, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर मिलूंगी आपको। मिल रही हूँ आपको सीधे खाना खाने के बाद, और अभी मैं आई हुई हूँ छत पे, तो थोड़ी देर दीदी के साथ बैठे, फिर उसके बाद अभी हम लोग छत पर आ गए, क्योंकि ना हल्द्वानी पे अभी ज़्यादा ठंडा हो नहीं रहा है, अभी भी यहाँ पर गर्मी हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा छत में बैठने के लिए आ गए। बाकी रात में ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है, जितना दिख रहा है वो दिखाती हूँ। तो रात में हल्द्वानी शहर का व्यू कुछ ऐसा हो रखा है, लाइट जली हुई है घरों में, और क्या देखने को मिलेगा शहर में ना, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग यहाँ आते तो हमें बहुत अजीब जैसे लगता है, हम यहाँ पर ना एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो बस मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अब ये ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग कल सुबह से स्टार्ट करूँगी मैं हल्द्वानी शहर से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।